हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और अपने काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज फ्रेंड्स, टॉपिक क्या आप क्या कहें, ये एक फेलियर समझ लिए या फिर एक एक्सपीरियंस कह लें जो हम शेयर कर रहे हैं इसमें। बस सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, चाहे मेरा अचीवमेंट हो, चाहे फेलियर हो, या जो भी चल रहा होता है आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। इसलिए सोचा कि चलो ये वाली वीडियो बना लेते हैं हम। तो अपनी वीडियो कहाँ से शुरू करी जाए, तो आप लोग को याद होगा कि हम फ़िश लाए थे कुछ दिन पहले, शायद लास्ट वीडियो मेरी वही थी जब हम फिश लाए थे उसमें। तो मरीन टैंक के लिए हम फिश लाए थे कुछ, तो हमने उनको लाए थे। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं वाली वीडियो जब फ़िश लाए थे वो वाली। तो फ़िश जब हम लाए थे तो हमने उनको अपनी क्वारंटीन टैंक में डाल दिया था, जो क्वारंटीन टैंक है मेरा, उसकी वीडियो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। क्वारंटीन टैंक हमने कैसे सेटअप करा था, आप लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं क्वारंटीन टैंक। मेरा क्वारंटीन टैंक था, हमने उसके अंदर उनको रख दिया था। जो मेरा वाटर टेम्परेचर था मेरा 28 डिग्री सेल्सियस था, वाटर की सैलिनिटी मेरे 31 PPT थी मेरी वाटर की सैलिनिटी। क्वारंटीन टैंक में वही सही रहती, क्योंकि उससे जो पैरासाइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइपोसैलिनिटी में जल्दी मतलब ग्रो नहीं कर पाते हैं। जो मेरी तीन फिश थी उसमें से एक मेरी माटेड टैंक थी, दूसरी मेरी पिंक बार गोभी थी, और थर्ड मेरी रेड स्कूटर मैंड्रीन थी। मेरे पास थ्री फिश थी और सबके हम फोटोज़ वगैरह पोस्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी हेल्थ वगैरह सही थी उनकी। तो फर्स्ट डे जो था वो तो काफ़ी डरी हुई थी। फर्स्ट डे मारे टाइम तो पूरी ब्लैक सी हो रही थी और वो बिल्कुल भी स्विम नहीं कर रही थी, काफ़ी डरी हुई थी, बिल्कुल कोने में छुपी हुई थी। जो मेरा इंटरनल फिल्टर है उसी के नीचे बिल्कुल छुपी हुई थी वो, और जो मेरी गोभी थी वो भी काफ़ी डरी हुई थी, कोने में ही बैठी हुई थी, वो भी नहीं बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट कर रही थी। और जो मैंड्रीन थी हाँ, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रही थी, थोड़ा बहुत। और इसका कलर था थोड़ा सा लाइट सा था, और जो मैंड्रीन होती है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, रेड स्कूटर मैंड्रीन का थोड़ा सा कलर डार्क होता है, रेड होता है, और ये थोड़ी सी पिंक जैसी थी। तो कलर तो थोड़ा काफ़ी लाइट था पहले दिन। उसके बाद जब नेक्स्ट डे हुआ और लाइट हमने ऑफ रखी थी पहले दिन, और जो नेक्स्ट डे जो था मेरा, नेक्स्ट डे हमने देखा था तो मेरी माटर टैंक काफ़ी स्विम करने लगी थी। फिर हमने लाइट्स ऑन करी, थोड़ी देर के लिए डर गई थी ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए, फिर से वो स्विम करना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, देख के अच्छा लगा कि हाँ चलो स्विम कर रही, पूरे वाटर में वो स्विम कर रही थी। और जो बाकी जो दोनों मेरी फिश थी वो वहीं की वहीं रुकी हुई थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। वो जो मैंटेन थी वो थोड़ा बहुत मूव कर रही थी, बट जो मेरी गोभी थी वो बिल्कुल भी नहीं मूव कर रही थी। बिल्कुल भी क्या मतलब कि बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर पहले दिन हमने देखा था वहीं पर ही दूसरे दिन भी थी वो। उसके बाद में फिर मतलब कि हमें लगा कि जो मेरी ये माटर टैंक है कुछ इसको भूख लग रही, क्योंकि ये पूरे टैंक में घूमने लगी थी। और हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप फिश नहीं लाया करें उसको फीड ना दिया करें, क्योंकि पहले दिन सही नहीं रहता, वो फीड नहीं लेती, एक दो दिन तक फीड नहीं लेती नॉर्मली फिश, दूसरे या तीसरे दिन से फीड लेना शुरू करती हैं। तो हमने इनको फीड नहीं दी थी। दूसरे दिन हमें लगा कि मे बी माटर टैंक को फीड की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी उसके अंदर गंदगी वगैरह पड़ी थी, थोड़ी बहुत जो भी पड़ी थी टैंक के अंदर, वो उसको उठा रही थी और पूरे में घूम रही थी। बट फिर हमने सोचा कि चलो आज रहने देते हैं इसको, कल देंगे फीड, क्योंकि सेकेंड डे में सोचा चलो छोड़ो, अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए इनको लाए हुए। तो फिर जो थर्ड डे था, जब हमने देखा कि जो मेरी गोभी थी उसको वो निप करने लगी थी, मतलब कि जो उसके फिन्स थे गोभी के मेरे, डॉर्सल फिन वगैरह और टेल वगैरह, उसको निप करने लगी थी। फिर हमने सोचा कि अब क्या करा जाए। फिर हमने फूड डाला तो उसने फूड तो खाना शुरू कर दिया मेरी माटर टैंक ने, तब फिर भी फूड खाने के बाद भी उसको निप कर रही थी बार बार। फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो जो ये माटर कोई भी टैंक होती है सब निपी होती है, मतलब कि उनको चीज़ें नोचने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो एल्गी ईटर होती हैं, तो एल्गी वगैरह नोचती हैं काफ़ी आसानी से अपनी बीक से। तो फिर हमने क्या करा, मेरे पास एक ओल्ड ग्लास पड़ा हुआ था तो हमने वो ग्लास लगा दिया बीच में, और टेढ़ा करके लगाया था, और जो बड़ा वाला स्पेस था उसमें हमने अपने टैंक को कर दिया, और छोटा वाला स्पेस था उधर हमने अपना एक इंटरनल फिल्टर कर दिया, और उसी साइड मेरा हीटर भी था। उधर हमने मेरी गोभी हो गई और मेरी मैंड्रीन हो गई, ये दोनों उस तरफ थी, और मेरी माटर टैंक हमने एक तरफ कर दी थी। माटर टैंक का एरिया थोड़ा बड़ा रखा था हमने, क्योंकि टैंक काफ़ी ज़्यादा स्विम करती हैं, गोभी इतना कुछ खास स्विम नहीं करती है। तो जो मेरी टैंक थी काफ़ी अच्छे स्विम कर रही थी। फिर हम उसको फीड देने लगे थे, ऑलमोस्ट दिन में 2 से 3 बार देते थे, 2 to 3 टाइम्स देते थे हम फीड, और वो काफ़ी सही से खा रही थी। फिर छोटी छोटी फीड देते थे हम और पूरा फिनिश कर लेती थी। और हमने थोड़ी सी फीड उधर भी एक दो बार डाल के देखी, जिधर मेरी मतलब कि गोभी और मैंड्रीन थी, बट उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, मतलब कि ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं लिया, सोचा भी नहीं खाने के बारे में। तो भी ये हमारा थर्ड डे था जब हमारी माटर टैंक काफ़ी अच्छे से खाने लगी थी, और हमारी ये मैंड्रीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। तो फिर हमने सोचा क्या करें, हमने सोचा मैंड्रीन पहले हमने सोचा कि ये
खाने वाली नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैंडरिन वैसे भी नहीं खाती है कुछ भी किसी भी टैंक में, उसको सिर्फ कॉपी पॉट्स या पॉट्स चाहिए होते हैं, या फिर अगर खाती भी है वो तो फिर उसको ये ब्राइन श्रिम्प चाहिए होते हैं। तो ब्राइन श्रिम्प के लिए आपको श्रिम्प के एग हैच करने पड़ते हैं ब्राइन श्रिम्प के, फिर आप उसको फीड करिए। तो ऐसा होता है कि हाँ, मतलब कि 70% चांसेस रहते हैं कि वो खा ले, बट 30% फिर भी चांसेस होते हैं कि वो ना खाए उस, क्योंकि वो पॉट्स ही खाती हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको इसको सेल कर देते हैं। तो हमने पहले पहले सोचा सेल करने के लिए, एक दो लोगों से बात करी, फ्रेंड ने सोचा कि चलो छोड़ो सेल करने के बारे में, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास था, उनके पास काफ़ी बड़ा टैंक है, उनका काफ़ी बड़ा रिफ्यूजियम सेक्शन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सी चीटो एल्गी है। तो हमने सोचा कि उनको दे देते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पॉट्स हैं, कॉपी पॉट्स उनके टैंक में काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने सोचा चलो उनको दे देते, उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है दे दो। तो फिर हमने फिर अपनी जो मैंड्रिन थी वो हमने उन्हीं को दे दी, और हमने कहा कि जब मेरे पास पॉट्स वगैरह हो जाए तब मैं, तब आप हमें वापस कर दिएगा, या फिर जैसा भी रहेगा देखा जाएगा, तब तक आप पालिए इसको, अभी मतलब मेरे टैंक में सेटल होने वाली चीज़ नहीं है ये। तो ये तो हम उनको दे आए थे, और जो मेरी टैंक थी वो काफ़ी सही से फिट कर रही थी। तो आज हमारा ये फोर्थ डे था, वो सही से काफ़ी फिट कर रही थी, और मेरी जो मैंड्रिन थी उसको फिर हमने सोचा क्या करें, क्योंकि हमने पहले माइक्रोवर्म्स और पैलेट्स तो कई तरह की चीज़ें ट्राई करी थी दोनों के लिए, गोभी के लिए भी और मैंड्रिन के लिए भी, दोनों बिल्कुल भी नहीं उसको ले रही थी, बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर रही थी। और जो मैंड्रिन थी वो मेरी इधर उधर मुंह मारती थी कुछ खाने के लिए कि उसको कुछ मिल जाए तो वो खा ले, बट गोभी बिल्कुल भी नहीं कुछ ट्राई कर रही थी खाने के लिए। तो फिर हम पीवीसी पाइप ले आए थे, और पीवीसी पाइप जो लाए थे उसको हमने, एक पीवीसी पाइप लाया था उसको, उसके हमने दो टुकड़े कर दिए थे काट के अपने 100 ब्लेड से, और मैं एक टी ले आए थे हम पीवीसी की, एक 2 इंच का था मेरा ये, और इसको ला के हमने रख दिया था। 2 पीस हमने ये वाले थे वो हमने एक तरफ डाल दी थी, और टी हमने पीछे की तरफ डाल दी थी मैंडरिन के लिए, क्योंकि थोड़ा हाइडिंग स्पेस मिलता है, थोड़ा उनको अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि फ़िश को, न्यू फिश को हाइडिंग स्पेस बहुत ही ज़रूरी होता है, न्यू फिश हो या ओल्ड फिश हो, बट न्यू फिश के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, वो हफ्ता हफ्ते 2 हफ्ते तक छुपी रहती हैं मछली, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है कि बाहर आएँ, क्योंकि काफ़ी डरी हुई होती हैं। तो हमने डाल दिया था, तो फिर उस दिन तो वो नहीं गई थी उसके अंदर, फिर नेक्स्ट डे जो मेरा 5th डे था तब वो उसके अंदर चली जाने लगी थी टी जो पड़ी हुई थी। फिर हमने क्या, तो हमने सोचा क्या ट्राई करें, तो मेरे पास फिर मॉस्किटो लार्वा से जो हम हर 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 फिश के साथ ट्राई करते हैं, जो भी फिश नहीं खाती मेरी कुछ भी उसको मॉस्किटो लार्वा देते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि फिश खा लें। तो मॉस्किटो लार्वा दिए हमने उसको, और मॉस्किटो लार्वा थोड़ी देर के बाद उसने पकड़ने लगे और उसने खाना शुरू कर दिया, सारे मॉस्किटो लार्वा उसने खा लिए, कोई भी नहीं छोड़ा। तो काफ़ी राहत मिली कि चलो हाँ, मॉस्किटो लार्वा इसने खा लिया, कुछ खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज हमारा 4th या 5th डे था और उसने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने दिन से भूखी थी वो। कई बार ऐसा होता है मछली 10-15 दिन नहीं खाती तो भूख से ही मर जाती है, तो ये तो हुआ कि हाँ चलो भूख से तो नहीं मरेगी ये। नेक्स्ट डे हमने दोनों तरफ फीड डाला, और जो मेरी मारा टैंक थी काफ़ी अच्छे से खा रही थी, और वो इतने दिन में खा खा के थोड़ी सी मतलब कि हल्की सी बल्की सी हो गई, थोड़ी सी मोटी सी हो गई थी, जिस दिन से पहले दिन लाई थी तब तो काफ़ी पतली सी थी, अब थोड़ी हेल्दी लगने लगी थी, कलर भी थोड़े डार्क हो गए थे, थोड़ी हेल्दी लगने लगी थी मतलब कि, और काफ़ी अच्छे से स्विम कर रही थी। और अब जब भी वो हमें देखती थी, जब भी हम जाते थे टैंक के पास, तो वो मतलब फीड लेने मतलब कि आ जाती थी फ्रंट पैनल के पास, उसको पता था कि हम फीड देंगे, तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर था उसका। और जो मेरी गोभी थी वो भी अब मतलब कि ये पैलेट्स तो नहीं ले रही थी, और बट हाँ ये था कि वो मॉस्किटो लार्वा खाने लगी थी। अगले दिन भी हमने मॉस्किटो लार्वा दिया, फिर भी तब भी उसने खा लिए। फिर ऑलमोस्ट जब हमारा 6th डे था और टाइम हो रहा होगा 4 PM के आसपास, तो हमने देखा अपने टैंक के अंदर, तो हमें ऐसा लगा कि मतलब कि मेरी जो ये माटे टैंक वो अपने आप को रब कर रही थी इधर उधर, ऐसा हमने खाली 1-2 बार लगा, 10 मिनट तक हमने ऑब्जर्व करा, हमको 1 ही बार ऐसा लगा कि उसने रब करा। फिर हमने मतलब कि ऑलमोस्ट 1/2 आवर के बाद फिर से हमने देखा कि हाँ, वो अपने आप को 1-2 बार रब करा उसने। तो ये मतलब फिश तभी ऐसा करती है जब उसके ऊपर कोई पैरासाइट वगैरह होता है, उसको उलझन हो रही होती है अपनी स्किन पे कि कुछ उसको काट रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो अपने को रब करती ताकि उस चीज़ को छुटा सके। चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे सॉल्ट वाटर हो, चाहे ब्रैकेज वाटर हो, सारी फिश ऐसे बिहेव करती हैं अगर उनके स्किन के ऊपर कुछ भी होता है, स्पेशली इच होती है। तो हमने फिर ध्यान से देखा, हमें कोई इच का कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखा। फिर ऑलमोस्ट टाइम हो रहा होगा 9 बजा होगा रात का, 9 PM हो रहा होगा। फिर हमने ध्यान से देखा तो हमें उसके फिन्स के ऊपर और टेल के ऊपर 1-2 स्पॉट दिखे, मतलब कि 1-2 स्पॉट फिन के ऊपर होंगे और 2-3 स्पॉट्स टेल के ऊपर होंगे, और वो हो गई थी इच, तो वो इक हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करा जाए, क्योंकि मैं मरीन फिश को ट्रीट करने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, मेडिसिन वगैरह नहीं थी, क्योंकि जो भी था मेरे पास फ्रेश वाटर के लिए था, चाहे वो क्वारंटीन टैंक करने, चाहे वो फिश को क्वारंटीन करने के लिए मेडिसिन हो, इंटरनल एंटीबैक्टीरियल, एक्सटर्नल एंटीबैक्टीरियल और 2-4 चीज़ें और थी, था मेरे पास फ्रेश वाटर के लिए थी, सॉल्ट वाटर के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था।
फिर हम सोचा क्या करें क्या करें, फिर हमने जल्दी जल्दी लोगों को कॉल मिलाना शुरू करी कि भाई क्या आपके पास कुछ ऐसा होगा कॉम्प्रोमाइन या फिर ऐसा कुछ भी हो तो आप बताइए। तो कुछ लोगों के पास नहीं था जितने लोकल एरिया, तो मेरे पास कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला हमको ऐसा मरीन फिश को ट्रीट करने के लिए उसके एक को। फिर हमने बाहर पता करना शुरू करा, तो बाहर भी मतलब कि लोग यही कह रहे थे कि हाँ 2 से 3 दिन लगेंगे आने में। हमने कहा कि नहीं जल्दी चाहिए हमको, कुछ के पास था कुछ के पास तो था ही नहीं, तो जिनके पास था उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई जल्दी से जल्दी भेज पाइए, अगर तो भेज दिए तो सब लोग यही कह रहे थे कि हाँ 2 से 3 दिन लगेंगे, उससे पहले नहीं आ पाएगा, मिनिमम 2 डेज तो लग ही जाते हैं कोरियर से। तो फिर ऐसे ही सबसे पूछे जा रहे थे, फिर हमने एक्वेटिक इंडिया से बात करी कि क्या भाई तुम्हारे पास है ये, तो उसने कहा कि हाँ है, तो हमने कहा भाई भेज दिए, तो कहने लगे 2 दिन तो लगेंगे कम से कम आने, 2 से 3 दिन लगेंगे यहाँ तक लखनऊ तक पहुँचने में। हमने कहा भाई कुछ जल्दी बताओ, कुछ ऐसा करो, क्योंकि दो से तीन मतलब मैक्सिमम इच में आपको 2 से 3 दिन टाइम मिलता है, उससे पहले आपको ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, ताकि मैक्सिमम आपके पास 2 दिन का टाइम होता है, उससे पहले आपको शुरू कर दिया, मैक्सिमम 2 डेज के अंदर आपको शुरू करना होता है, उससे ज़्यादा अगर आप 3-4 दिन लगाएंगे तो फिश बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने कहा कि भाई जल्दी भेजो, मतलब ऐसा हो पाए आज कल सुबह तक या दिन तक हमको मिल जाए ये चीज़, तो अभी तभी मतलब सही रहेगा मेरे लिए, वरना फिर हम क्या करेंगे इसका, मतलब कि कुछ ऐसा करो कि हमको कल सुबह तक मिल जाए या जैसा भी हो, मतलब दिन तक मिल जाए कल, मतलब कि 12 घंटे के अंदर हमको मिल जाए। तो फिर उसने कहा कि नहीं अभी पता करके बताते हैं, तो उन्होंने कहा भाई देखो जैसा भी हो पाए बताओ। फिर उसने पता करा कहीं पर भी, पता नहीं कैसे भी कोई लखनऊ आ रहा था कोई फ्लाइट से, तो उसने उसके हाथ भेजा अपना कोरियर, फिर हम जल्दी से लाए, हमने फिर उसको खोला और देख सकते हैं इसके अंदर ये 100 ml वाली ये सीकेम की बॉटल थी, और ये 100 ml एक्चुअली ये भी मतलब कि इतनी सस्ती चीज़ नहीं होती, सीकम का जो कॉप्रामाइन होता है जो आप लोग देख सकते हैं, कॉप्रामाइन जो सीकम का इतनी सस्ती चीज़ नहीं होती है, ये ऑलमोस्ट आपको 1100-1200 रुपये का मिलता है सीकम का कॉप्रामाइन। तो एक और इससे बड़ी वाली बॉटल होती है वो भी 2000 के आसपास की होती है, तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी 100 ml ले लेते हैं, क्योंकि अभी 200 ml वाली अवेलेबल भी नहीं थी, 250 ml वाली अवेलेबल भी नहीं थी, और हमने सोचा चलो पहले भी यही ले लेते हैं, 1000 रुपये तक है ये, और फिर इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं। फिर जब तक ये मेरे पास आई, मतलब कि अभी तक आई नहीं थी, मैं जब सुबह अपने रूम में आए ऑलमोस्ट 10 AM पे, हम जब अपने रूम में आए तो हमने देखा जो मेरी मार्टर टाइम थी पूरी ब्लैक सी अजीब सी हो चुकी थी, और वो नीचे मरी पड़ी हुई थी, देखे काफ़ी हम अपसेट हो गए थे कि जो मेरी सबसे हेल्दी फिश थी, बाकी मेरी अगर दूसरी फिश मर जाती तो हमें इतना अफसोस ना होता, बट मेरी माथे टैंक मर गई तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि वो सबसे हेल्दी थी, काफ़ी अच्छा स्विम कर रही थी, काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन कर रही थी मेरा, जब भी हम जाते तो मेरे पास में आ जाती थी फीड खाने के लिए। काफ़ी अफसोस हुआ हमें, फिर हमने उसको निकाल के बाहर मतलब कि मिट्टी में डाल दिया हमने उसको, फिर गाड़ दिया। उसके बाद में फिर मतलब कि जब तक तभी मेरे कॉम्प्रोमाइज नहीं आया था, मेरे पास खाली एक ही फिश बची थी मेरे टैंक के अंदर जो कि थी गोभी। फिर हमने सोचा कि अब क्या करा जाए, फिर हमने कॉल करी भाई कहाँ पर है वो, तो उन्होंने कहा भाई पहुँचने वाले होंगे। फिर ऑलमोस्ट मेरे पास ये कॉम्प्रोमाइज ऑलमोस्ट यही कोई 1 या 2 बजे के आसपास आया होगा, और फिर हम घर लेके आए उसको तो हमने देखा कि जो मेरी गोभी थी उसकी भी डेथ हो चुकी थी, उसकी जो स्किन थी पूरी अजीब सी पूरी गल सी गई थी पूरी, मतलब कि कुछ बचा नहीं था उसके अंदर। जब तक मेरे पास कॉप्रामाइन आई तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था मेरे टैंक के अंदर। फिर हमने उसको भी निकाला और जाके गड्ढा खोद उसको भी हमने डाल दिया। तो बस क्या कहें, मेरी जो फिश थी उनकी सबकी डेथ हो गई, हम उनको ट्रीट नहीं कर पाए। इसमें कई सारे पॉइंट हो सकते थे उनको बचाने के लिए, हमें पहले से ही मेडिकेशन लेना चाहिए था, पहले से हमें कॉप्रामाइन या फिर ऐसा कुछ लेकर रखना चाहिए था अपने पास कि हम फिश ले रहे हैं तो मेरे पहले से कुछ होना चाहिए सॉल्ट वाटर फिश के लिए, या फिर जहाँ से हमने ली थी वहाँ से हमें नहीं लेना चाहिए थी, हमें कहीं ट्रस्ट पर दी जगह से लेना चाहिए जिनको हम जानते हैं पहले से कि हाँ वो लोग क्वारंटीन करते हैं, उनके पास हमें लेना चाहिए थी, क्योंकि हमें जहाँ से हमने ली थी हमें इनका नहीं पता ये क्वारंटीन करते हैं कि नहीं करते, इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे फ्रेंड्स लोग मंगा रहे थे, बोले कि 7 लोग मंगा रहे हैं मंगा लो, 2 लोग मंगा रहे थे तो 3 लोग मंगाएंगे, तो एक तो शिपिंग 4,500 रुपये थी, तो ज़्यादा लोग मंगाते हैं तो डिवाइड हो जाती है शिपिंग, तो सही रहता है एक आदमी पर ज़्यादा पड़ जाती है, तो हमने सोचा कि चलो आ रही है तो आ जाए, ज़्यादा ध्यान भी हमने नहीं दिया। और क्या बताएं, जब और हाँ एक बात हुआ, जब हमने मतलब कि देख जब हमने सिम्टम्स देखा था पहली बार, तो हमने अपना हीटर जो था उसको 30 डिग्री पे कर दिया था, ताकि जो मतलब कि जब 30 डिग्री पे कर दो तो इच होता है, इचोनोम पैरासाइट होता है, इसकी जो साइकिल होती है स्पीड अप हो जाती है। और क्या कहें,
हमने सोचा था कि और अब क्या कहें, हमने सोचा कि आज मेरी जो वीडियो आएगी वो मेरी प्लानर टैंक पे आएगी, हम उसी पे काम करने जा रहे थे, बट ये सब हो गया। अब बस क्या कहें, ऑलमोस्ट मेरे 7 डेज के अंदर फिश पूरी ख़त्म हो गई। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई वेबसाइट का लिंक दो, सेलर का नाम दो, सेलर का नंबर दो, हम लोग को मंगाना है। हम इसीलिए नंबर वगैरह नहीं देते जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है सही से। अगर हमने दिया होता तो मे भी आप लोग के पास भी फिश आई होती और डेथ हो गई होती, तो सोचिए आप लोग को बुरा लगता जैसे हमें लगा। तो क्या कहें, अब टैंक था इसको हमने क्लीन करा अंदर से पूरा, और वाटर जो था पूरा ड्रेन करा हमने इसका, और सारे फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ निकाल दिए हमने इसके अंदर से। और फिर निकालने के बाद हमने सब अपनी बकेट में डाल दिया, और फिर हमने इसको फिर वॉश करा, जो कुछ जितना फिल्ट्रेशन एंड ऑल दैट सब कुछ हमने वॉश करा। और फिर हमने उसको धूप में सुखाया, सूख ही रहा है अभी, फिर हमने आज इसको धूप में सुखाया। अब देखते हैं आगे क्या करना, जैसा भी रहेगा आप लोग अपडेट। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब क्वारंटीन टैंक काफ़ी बड़ा झंझट होता है, फालतू में एक और टैंक सेट करना पड़ता है, पैसे की बर्बादी है, और फालतू में सेट करने से क्या फ़ायदा। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब क्वारंटीन टैंक ने अपने पैसे वसूल कर दिए। माना कि मेरी फ़िश की डेथ हो गई, बट जो मेरी क्लाउन फिश थी वो अभी भी लाइव है, और जो मेरा मेन टैंक वो अभी भी इच फ्री है, उस पर कोई पैसाइड या वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेफ है मेरा मेन टैंक। अगर हमने मे भी क्वारंटीन टैंक मेरे पास ना होता और हमने फ़िश ला के डाल दी होती अपने मेन टैंक में, तो मेरी क्लोन भी आज ना बची होती और मेरे टैंक पूरा बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि उस पे उसमें भी उसमें पैरासाइट आ गया होता इच का, जो कि इतनी जल्दी नहीं जाता है। उसमें हम कॉपर अगर डोज करते तो मेरे रॉक भी ख़राब हो जाते, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते कॉपर, तो मतलब कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती और ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता मेन टैंक को। ऐसे हमने छोटा टैंक था उसको हमने सब कुछ निकाल के ड्राई करके धो के लगा देंगे फिर से, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा पहले की तरह। तो बस यही थी आज की वीडियो, और हमने पहले सोचा था कि आप लोगों से पूछेंगे कि मतलब कि रेड स्कारलेट हर्मिट क्रैप लाएं या फिर ब्लू लेग हर्मिट क्रैप लाएं, कौन सा लाएं, कमेंट कर दिएगा। बट अब क्या कहें, पता नहीं, देखिए लाते भी हैं कि नहीं लाते हैं, या फिर अब फिश वगैरह कब लाएंगे पता नहीं, देखा जाएगा। आप लोग अपने सजेशंस सब कमेंट कर दिएगा, और पहले बिट के हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।